हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम मैम। जी बच्चों, कैसे हैं आप ठीक है मैम, आप कैसी हैं? लोग? आवाज क्लियर आ रही? सब कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? यस मैम, क्लियर है। पिछले लेक्चर में कोई इश्यू, किसी ने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में कोई इश्यू है? मोमेंट जी, मैम ये इनडायरेक्ट जो आपने बताया था फ्लोरेसेंस वाला, जी वो वाला सही से समझ नहीं आया था, आप दोबारा बता सकती हैं? बच्चों, बेसिकली हमने कहा था कि इसमें फ्लोरेसेंट टेक्निक यूज करते हैं। फ्लोरेसेंट का मतलब सब कुछ नेचुरल लाइट के साथ कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है? जब लाइट एक्साइट होती है तो उसमें कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? डायरेक्ट में हमने बात की थी कि बेसिकली क्या है कि जो हमारा वो है, मतलब कि हमारे पास किसी के ऊपर एंटीजन है, तो उसके ऊपर जो हम फर्स्ट एंटीबॉडी डाल रहे हैं, वो हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो फ्लोरेसेंट बेस्ड ही है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है कि वो जो हम सेकेंडरी में बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास एंटीजन होती है किसी के ऊपर, जब उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डालते हैं कोई भी उसकी पेशेंट का सैंपल डाल दिया, वो हमारे पास प्राइमरी है। फिर जब या हमने कोई भी मशीन पर बेड एंटीबॉडी बॉल डाल दी, लेकिन जो हम उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे ना, एक और एंटीबॉडी जो हम बाद में एंटीबॉडी डालेंगे जो मशीन पर बेड, उसके साथ हमें फ्लोरेसेंट जो मॉलिक्यूल है या फ्लोरोफोर है वो हमने साथ में अटैच किया होगा, ठीक है? अगर वो उसके साथ बाइंड करेगा, ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर उसको लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर वो इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है, तो उसमें हम डायरेक्ट एक ही एंटीबॉडी डालती है, लेकिन अगर क्या है कि बच्चों को इनडायरेक्ट होता है तो उसमें दो एंटीबॉडी आती है, एक सिंगल एंटीबॉडी आती है जो कैंटीन से बाइंड करती है, और फिर एक परसेंट वाली एंटीबॉडी आती है जो किसी बाइंड करती है, वो उस जो फर्स्ट एंटीबॉडी से बाइंड करती है, ठीक है? ओके मैम, और थैंक कोई यू। प्रॉब्लम? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैम बहुत आपकी डिस्टर्बेंस आवाज, है। यस मैम आवाज क्लियर नहीं है। यस दादा मैम, मैम लेकिन फिर भी समझ आ गई है थोड़ी बहुत, जो मुझे चाहिए था पॉइंट वो मुझे पता लग जी अब क्लियर है नो बच्चों मैम, नहीं आवाज? पता चला, बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन हो रही थी मैम, बहुत ज्यादा डिस्टोर्शन, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो पहले बोल अच्छा देना बच्चों, था, आप मुझे आवाज लगा शायद क्लियर मेरा होगा। है? मुझे आदिल प्लीज, हमें नहीं आ रही ना, आपको आ रही है तो भी नहीं हम आ रही क्या थी, करें? पहले बोलना था। अच्छा बच्चों प्लीज वेट, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आवाज क्लियर है? यस यस मैम, मैम, हम अब बेटर कर, क्लियर। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने ये बात, आप लोग ने इनडायरेक्ट का पूछा था, तो मैं ये बता रही हूँ कि जो डायरेक्ट था उसमें ये है कि हम उसमें टिश्यू एंटीजन होती है, उसके साइड के ऊपर जो भी पेशेंट की हमने टिश्यू एंटीजन है वो उसके ऊपर अटैच होती है, उसके ऊपर हम फर्स्ट जो एक ही एंटीबॉडी जो डालते हैं उसमें हमने जो डालनी है उसके साथ फ्लोरेसेंट अटैच होगा, वही कलर प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि उसमें पहले टिश्यू के ऊपर क्या होगी, एंटीजन होती है, फिर उसके ऊपर हम एक और एक एंटीबॉडी डालते हैं जो उस एंटीजन के साथ क्या कर जाती है, ज्वाइन कर जाती है। जब वो एंटीजन एंटीबॉडी से ज्वाइन करती है तो हमें हमने रिजल्ट्स भी तो देखने हैं ना, रिजल्ट्स हमें तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक हम फ्लोरेसेंट वाली एंटीबॉडी नहीं डालेंगे, जिस एंटीबॉडी ने कलर प्रोड्यूस करना है, ठीक है? तो जब हम वो फ्लोरेसेंट वाली एंटीबॉडी उसमें डाल देते हैं उससे क्या होगा, वो दो एंटीबॉडीज आ गई इसमें, क्योंकि इसमें फ्लोरेसेंट वाली एंटीबॉडी वो डायरेक्ट एंटीजन से बाइंड नहीं कर रही है, वो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक कहते हैं, ठीक है? क्लियर है सबको? जी बच्चों क्लियर है? यस मैम, हेलो, ठीक है? यस सर, अब तो कोई इशू नहीं है? नो मैम, मैम
ठीक है, चल लेक्चर की स्क्रीन शेयर होगी ये साथ में? यस मैम। अच्छा बच्चों, आप लोगों से मैंने डिस्कस करना था थोड़ा सा क्विज का, कि आप लोगों का क्विज जो होगा वो मैं बेसिकली 7 स्लॉट में ही लूंगी, ठीक है? कि जैसा नेक्स्ट आपका थर्सडे का जो लेक्चर है उसमें फर्स्ट हाफ आवर में मैं आप लोगों की क्लास ले लूंगी, और जो नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट का टाइम होगा उसमें मैं आप लोगों का क्विज रख लूंगी, ठीक है? क्लियर है? इस तरह से किसी इस तरह आप लोगों को इश्यू भी नहीं होगा कि हमारे पास टाइमिंग का या किसी और क्लास का, ठीक है? तो नेक्स्ट जो थर्सडे वाली क्लास उसमें पहले 5 o'clock में आप लोगों का लेक्चर ले लूंगी। जैसे ही लेक्चर एंड होगा 5:30 या 35 पे, तो उसके बाद मैं आप लोगों का क्विज ले लूंगी। क्विज आप लोगों का बच्चे 15 MCQs आएंगे आप लोगों को, तो उसका टाइम वो वैसे 10 से 15 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे बस क्विज सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम। चले मैम, सिनेरियो बेस्ड आएंगे कि वैसे ही आएंगे हमें सिंपल? बेटा आप क्या इससे ज्यादा डिटेल और मैं बता सकती हूँ आपको? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि दोनों आ सकते हैं। अब आपने एमसीक्यू प्रिपेयर करने आप लोग करें। अब मैं आप लोगों को क्या एक चैन एवरीथिंग बता दूंगी, इतने एमसीक्यू जो होंगे वो सिंपल होंगे, इतने सिनेरियो बेस्ड होंगे, ठीक है? मैम उसके हिसाब से आप लोग इतना बता दिए। मैम टाइम मैनेज करना मुझे पता है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम दिया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। ओके मैम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट है, लास्ट टाइम जो हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ टेक्निक्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी, कुछ हम आज डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट की, ठीक है? हीम का मतलब होता है ब्लड, एग्लूटिनेशन का मतलब क्या है? क्लम्पिंग, ठीक है? तो जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लम्पिंग देखते हैं एग्लूटिनेशन की, उसको हम हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है? इसके कंटेंट्स जो है इसमें हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट है, हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, इम्यूनो डिफ्यूजन है, और साथ में इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है? ये हमारे क्या है आज के कंटेंट्स हैं। सबसे पहले ये हम 4 to 5 टेक्निक्स जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्लूटिनेशन क्या होती है? बेसिकली एंटीबॉडी के एक्शन होता है कि इसमें मल्टीपल एंटीजेंस जो होती हैं वो क्रॉस लिंक करती हैं, और जब मल्टीपल एंटीजेंस क्रॉस लिंक करती हैं तो वो क्या कर देती है, क्लम्प्स बना देती है किसके, एंटीजेंस के साथ। आप देख सकते हैं फिगर में भी बच्चों नीचे, मैम आपकी एंटीजेंस स्लाइड्स मूव नहीं होगी। आप ठीक है, बोल रही हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एंटीजन जो है वो मल्टीपल एंटीजन जो है वो एंटीबॉडीज के साथ क्या है, बाइंड है। जब इतनी अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती हैं तो एट द एंड क्या कर देती है, क्लंप बना देती हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं। हीम एग्लूटिनेशन उसको कहते हैं जहाँ पे ये ब्लड सेल्स या आरबीसीज को क्लंप करते हैं। कुछ वायरसेस और माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि जो हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वायरल एंटीजन आई हैं वो क्या करेंगे, हमारी जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स उनके साथ बाइंड कर जाएंगे, और जो एक इतने ज्यादा आरबीसीज को जब वो बाइंड करते क्लंप करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं, ठीक है? कौन कौन से वायरसेस जो है वो हीम एग्लूटिनेशन कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो है कुछ, एक बैक्टीरिया भी इसमें है, एनडीवी न्यू कैसल डिजीज वायरस है, एडिनो वायरस 3 है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस और माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है? तो ये क्या है, ये सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या कहते हैं, हीम एग्लूटिनेशन कॉज कर सकते हैं। इसमें बच्चों हमारे पास इसका रिजल्ट और हमें देखना होता है पॉजिटिव रिएक्शन होगा और साथ में क्या होगा, नेगेटिव रिएक्शन होगा। जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव तो उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, ये वायरस था उसने आरबीसीज के साथ बाइंड करके वो क्लंप कर गया तो पॉजिटिव है। अगर वो उसके साथ बाइंड नहीं किया, क्लंपिंग नहीं की, उसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसे कंबाइन कर सके, तो वहाँ पे क्या होगी, नो एग्लूटिनेशन होगी, वहाँ पे क्लंपिंग नहीं होगी, ठीक है? वायरल हीम एग्लूटिनेशन जो है ये बेसिकली अटैचमेंट होती है वायरल पार्टिकल्स की अपने रिसेप्टर साइट्स का मोर देन वन सेल, ये भी वही चीज है कि जो वायरसेस जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब मोर देन वन साइट्स के साथ वायरस जो है वो अब उनके रिसेप्टर के साथ एक तरफ वो एक रिसेप्टर से एक सेल के साथ बाइंड किए और सेकंड से वो दूसरे सेल के साथ। इसी तरह एक साइड पे जब इतने ज्यादा वायरसेस जो होंगे वो इतने आरबीसीज को करते हैं कि क्लंप करेंगे तो वहाँ पे रिंग टाइप एक क्लंप टाइप बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से जितने ज्यादा सेल्स के साथ अटैच होंगे उतनी ज्यादा ग्लूटिनेशन क्या होगी, फिजिकल होगी, क्योंकि उतने ज्यादा वहाँ पर आरबीसीज पहुंचेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे,
ठीक है। अब जब हम बच्चों ग्रेजुएशन के रिजल्ट को हम रेट करते हैं तो यहाँ पे हम दो बातों को भी याद रखते हैं, एक तो हम उसका टाइटल देखते हैं और उसका हम एंड पॉइंट देखते हैं। जो टाइटल वो होता है द मैक्सिमम डाइल्यूशन दैट गिव्स विजिबल एग्लुटिनेशन, ठीक है, जिससे हमने पीछे बात की थी, तो आरबीसी से होंगे तो ज्यादा क्लम्पिंग होगी, तो ऑब्वियसली तो टाइटल क्या है कि जितने वो मैक्सिमम डाइल्यूशन वो मैक्सिमम अमाउंट जिसपे हमें विजिबल एग्लुटिनेशन नजर है उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 आरबीसी जो है वो क्लम्पिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, एग्लुटिनेशन वहाँ पे क्या होगा, विजिबल होगी, वो सब क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, ठीक है। एंड पॉइंट वो है इज द वेल विद द लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द वायरस वेयर इज द वेयर देयर इज द हीम एग्लुटिनेशन, ठीक है, कि वो लोएस्ट कंसेंट जहाँ पे हमें टाइटर को हम ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, डिल्यूट करते हैं वाटर के साथ, हम इसके डल्यूशन बनाते हैं, सलाइन के साथ डल्यूशन बनाते हैं। आपको पता है कि कोई चीज़ अगर हम जितनी डल्यूट करते जाएंगे तो उसकी अमाउंट उतनी क्या होती जाती है, कम होती जाती है उसमें, ठीक है। डल्यूशन से कहते हैं कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि चीज़ ज़्यादा है, डल्यूट का मतलब है कि उसमें चीज़ वो कम है, ठीक है। तो वो वाला वेल जी मैं आगे फिगर में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर, कि जहाँ पे लोएस्ट कंसेंट्रेशन होगी वायरस की तो उसको हम क्या कहते हैं, हीम एग्लुटिनेशन। बच्चों प्लीज, ये किसका माइक अनम्यूट है, ये चीज जो मैं आप लोगों से को डिस्कस कर रही थी, ठीक है। ये सीरियल डिल्यूशंस मींस कि हमने इसमें क्या किया हुआ है, इसमें हम वायरस को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। आपको पता है कि जितना ज्यादा इसमें डाइल्यूटेड होता जाएगा उतना वायरस में कट जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 1:2 की हमने बनाया कि 1:1 जो होगा वो वायरस लेंगे, 2:2 में क्या लेंगे, डाइल्यूशन नॉर्मल सलाइन लेंगे। जैसे हमने 8, 16, 32, 64, 128, 256 क्या अमाउंट्स हैं। अब जब हम इसमें वायरस की डाइल्यूशन बना लेंगे तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आरबीसी डालते जाएंगे, ठीक है। तो आरबीसीज की वो अमाउंट जो कि मैक्सिमम डाइल्यूशन देती है उसका क्या होता है, वो टाइटर होता है, ठीक है। और एंड पॉइंट वो है जहाँ पे लोएस्ट कंसेंट्रेशन के ऊपर वायरस की हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने आरबीसीज डाल दी, यहाँ पे भी डाल दी, यहाँ पे भी सब में डाल दिए, तो क्या हो गया कि यहाँ जहाँ पे हमें क्लम्पिंग नजर आएगी तो वो सा क्या होगा, वो रिजल्ट हो जाएगा, टाइटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 64 के ऊपर क्लम्पिंग आ रही है, इसको हम कह लेंगे 64 हीम एग्लुटिनेशन यूनिट्स पर एमएल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया ये? यस सर। अब क्या है कि बच्चों इसको अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ द एंटीवायरस एंटीबॉडीज के, अगर वहां पे एंटीवायरस एंटीबॉडीज नहीं है, अब क्या है यहाँ पे रिथ्रोसाइट्स हैं और वायरसेस हैं, ठीक है। वायरस ने क्या कर दिया, उनके एग्लुटिनेशन कर दी है किसके साथ, आरबीसी के साथ। अब क्या है बच्चों, अगर वहाँ पे हमारे पास वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, तो आरबीसीज हैं, वायरस है, उसकी एंटीवायरस एंटीबॉडीज हैं। आपको पता है कि जो वायरस जो होगा वो अपने वायरस बेटा आप लोग, मैं सबको म्यूट कर देती, मेरा ख्याल है क्योंकि इतना डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है ना, पता नहीं कौन बच्चे हैं जो बार बार आप लोग। ठीक है, तो बच्चों अगर वहाँ पे वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वायरस जो होगा वो आरबीसी के साथ बाइंड नहीं करेगा और वायरस के एक एंटीजन है तो अपनी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्लम्पिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है नहीं है तो वहाँ पे क्लम्पिंग हो जाएगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने एक और चीज आ गई जैसे कि एंटीवायरस एंटीबॉडीज है, यहाँ पे जो अगर वायरस जो कि एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे और वो एरिथ्रोसाइट के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीसीज है, एंटीवायरल एंटीबॉडीज है फ्रॉम सीरम, वायरस है और वायरस ने क्या कर दिया, और एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसने हीम को इनहिबिट कर दिया, मींस कि वहाँ पे हीम एग्लुटिनेशन नहीं होगी, क्लम्पिंग नहीं होगी,
तो इस तरह से क्या होगा कि वो ये क्या होगा यहाँ पर हीम ग्लूटेशन, इसको हम क्या कहते हैं हीम ग्लूटेशन इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि क्या है कि वायरस अगर हमारी बॉडी में आता है तो उससे क्या होती है एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो हम लोग लैब में क्या करते हैं पेशेंट का सीरम लेते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो होगा उसमें एंटीबॉडीज होते हैं, वायरस के एंटीजन होती है, कमर्शली प्रिपेयर्ड आरबीसी जो होते हैं वो लेते हैं। तो अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज होंगी तो वायरस जो होगा वो एंटीजन एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करेगा, वहां पर इंफ्लोमेशन नहीं होगी। इसी बेस के ऊपर हमने उसी टेस्ट को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं हीम ग्लूटेनेशन इनहिबिशन को। इसमें भी वही चीज है, क्लम्पिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उसमें क्या हो रहा है हीम ग्लूटेनेशन इनहिबिशन और क्या हो रही है बच्चों हीम ग्लूटेनेशन इनहिबिशन। तो यहाँ पे क्या होगा इस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रीवियस जो हीम ग्लूटेनेशन वाला था अगर वहाँ पे क्लम्पिंग हो रही थी तो वो टेस्ट पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या होगा क्लम्पिंग नहीं होगी तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वायरस के प्रेजेंस को किस तरह से हम देख सकते हैं हीम ग्लूटेनेशन से देख सकते हैं, हम उसकी एंटीबॉडीज को पेशेंट के सीरम में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो एंटीबॉडीज होंगी तो इनहिबिशन क्या हो जाएगी, इनहिबिशन जो होगी वो ग्लूटेनेशन क्या हो जाएगी वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि वायरस एंटीबॉडी से बाइंड कर जाते हैं, जब उसमें फर्दर कमर्शली प्रिपेयर्ड आरबीसीज डालते हैं तो वहाँ पे इनहिबिशन नहीं होती है, लेकिन अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी हीम ग्लूटेनेशन हो जाएगी, ठीक है। इस टेस्ट की यही सिग्निफिकेंस है कि वायरसेस के लिए यूजफुल है, ये वायरस की हीम ग्लूटेनेशन के ऊपर बेस्ड करता है, वायरस सरफेस प्रोटीन्स जो होते हैं वो आरबीसीज को क्लंप कर देती हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है कि पेशेंट के सैंपल में क्या होती है एंटीबॉडीज होती हैं जो किसके लिए स्पेसिफिक होती हैं, उस वायरस के लिए स्पेसिफिक होती हैं, और ये कि हम इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा मीजल्स और मम्स की एंटीबॉडीज को चेक करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब तक हमने दो टेस्ट डिस्कस कर लिए हीम ग्लूटेनेशन और हीम ग्लूटेनेशन इनहिबिशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट हमारा है वो है कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें भी हम वही चीजें, अब बात इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी की होगी, बट जिस प्रीवियस टेस्ट में हम क्या कर रहे थे कमर्शली प्रिपेयर्ड क्या ऐड कर रहे थे आरबीसीज ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट का तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, आपने पैथो में पढ़ा होगा वायरस, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये बेसिकली क्या होता है प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन क्या करती है इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होती है। कम्प्लीमेंट क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, एनहेंस करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कोई एक तो ये कि ऑक्सीजनाइजेशन करता है, कोई भी वायरस आता है उसको साथ ही बाइंड कर जाता है, देन ये बहुत भी क्या कर सकते हैं उस वायरस को इंगल्फ करके ये उसको इसकी लाइसिस कर सकते हैं। इसकी 9 प्रोटीन्स होती है हमारे पास, हम C1 से C9 तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कम्प्लीमेंट जो होती है इसकी एबिलिटी होती है कि एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकता है, ये फेगोसाइटोसिस भी कर सकता है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैक करता है। प्लाज्मा कुनीवा का माइट कैन बी एक्टिवेटेड डायरेक्टली बाय फाइरोगेन्स और इनडायरेक्टली बाय फेरोमोन बाउंड मैम ये मुनीवा रहमान का माइट कॉल है लीडिंग टू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस दैट ऑकर्स ऑन द सरफेस ऑफ मुनीवा रहमान फाइरोगेन्स जनरेट्स एक्टिव कंपोनेंट्स विद वेरियस ठीक है। तो सिस्टम बेसिकली वही बात है, होता है कि इसमें 9 प्रोटीन्स होती है, पूरा कैस्केड होता है, पूरा पाथवे होता है, बेसिकली उसमें वो क्या कर सकते हैं वो इन्फ्लेमेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं, पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हॉल प्रोड्यूस करते हैं उसकी लाइसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे इसके 3 पाथवेज होते हैं, इसको आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। 3 पाथवेज कौन कौन से हैं, ऑल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे और इलेक्ट्रिक पाथवे होते हैं, ठीक है। ये माइक्रोब को ऑल्टरनेटिव को कौन माइक्रोब इनिशिएट करते हैं, क्लासिकल को एंटीबॉडीज इनिशिएट करते हैं, लेक्टिन को जो है वायरसेस या बैक्टीरिया के ऊपर जो MBL मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन पर वो इनिशिएट करती हैं। इन सब का जो कंबाइंड भी हो सकते हैं C3d बनाते हैं जो कि माइक्रोब के ऊपर डेपोजिट हो जाता है। C3a जो होता है अगर रिलीज होगा तो एज अ कीमोकाइन काम करता है, और कीमोकाइन के तौर पे वो वहाँ पे लिकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट कराता है, उनकी एक्टिवेशन कराता है,
और जब वहां पर ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं तो उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। देन सी थ्री जो क्लासिकल पाथवे उसमें सी थ्री बी आगे फर्दर उसके सी फाइव को एक्टिवेट करता है और वहां पे फेगोसाइट प्रोसेस करवा देते हैं। जो देन सी थ्री बी जो है वो फर्दर मैक कॉम्प्लेक्स में आता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, और मैक जो होता है वो उस माइक्रोब के क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट होता है वो लाइसिस में इन्वॉल्व होता है। लेकिन स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज होती है पेशेंट के सीरम में उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल यही है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह अगर एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है उनका कॉम्प्लेक्स बनना हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों का प्रिंसिपल। फेज वन में क्या है, कमर्शियल प्रिपेयर्ड एंटीजन है, हमने पेशेंट का उसमें सीरम ऐड किया है और गुना पिक का जो कॉम्प्लीमेंट है कमर्शियल प्रिपेयर्ड है वो ऐड कर दिया है। इसको हमने इंक्यूबेट कर दिया है कुछ टाइम और टेम्परेचर के लिए। देन इस फेज वन के अंदर हम क्या कर देंगे, सेंसिटाइज शीप आरबीसीस को ऐड कर देंगे और देन फर्दर उसको हम क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हैं, पहले पास हमारे पास एंटीजन था और कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। सीरम भी हमने ऐड किया अगर उसमें एंटीबॉडीज है, अगर तो सीरम के अंदर भी एंटीबॉडीज होंगे तो जब एंटीजन एंटीबॉडी से कंबाइन करेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट भी वहां से उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा। जब हम शीप आरबीसी उसमें ऐड करेंगे तो वहां पर कोई हिमोलिसिस नहीं होंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फ्री नहीं है, उसने क्या कर दिया है क्योंकि वो उसके साथ एंटीबॉडी के साथ क्या है, कंबाइन है, ठीक है। तो उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर एंटीजन कॉम्प्लीमेंट है और पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट भी फ्री होगा, एंटीबॉडी भी फ्री होंगे। तो जैसे ही हम उसमें शीप आरबीसी ऐड करेंगे तो फौरन से वो कुछ आरबीसी को क्या कर लेंगे, बाइंड कर देंगे, उसके साथ उसकी हिमोलिसिस कर देंगे, उसके ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इस कंडीशन में जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज रिजल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एग्जाम्पल्स इसकी वही है, न्यूकैसल डिजीज वायरस, रुबेला वायरस और एवियन ल्यूकोसिस वायरस में हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्यूनो डिफ्यूजन। इम्यून डिफ्यूजन जो है वो सिंपल डायरेक्ट मेथड है एंटीजन एंटीबॉडी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। बेसिकली इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट कहते हैं वहां पे क्लंपिंग होती है, सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। बच्चों इसके दो मेथड होते हैं, एक रेडियल इम्यून डिफ्यूजन होता है, डबल इम्यून डिफ्यूजन। रेडियल जो होता है उसका मानसिनी मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसिनी मेथड भी कहा जाता है। रेडियल इम्यून डिफ्यूजन को हम मानसिनी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें भी हम एंटीजन के अमाउंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, वही बात है कि हम क्या करते हैं बेसिकली ये क्या होती है, ये जो इम्यून डिफ्यूजन जो होती है जेल बेस्ड प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, जेल बनाते हैं, जेल जो होती है प्रिपेयर करते हैं, जेल के अंदर हम वैक्स ऐड करते हैं और बाद में उसमें वेल्स बना लेते हैं। उन वेल्स को कट करके जब उसके अंदर हम सीरम या एंटीजन या एंटीबॉडी डालते हैं तो अगर तो वो एक दूसरे कंपेटिबल होंगे, कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, फ्री मूव करते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम वेल में क्या कर देंगे, जो एगरोस जेल में प्लेस कर देंगे। एंटीजन जो होगी अगर वहां पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है कंपेटिबल तो उसमें डिफ्यूज करेगी, वहां पे वो क्या कर देगी, रिंग बना देगी। जितना रिंग का साइज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा उस एंटीजन की कंसेंट्रेशन पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये एंटीजन कंटेनिंग जेल है, इसमें हमने वेल्स बना दिए। जिस तरह से एंटीजन की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी उतना वेल का साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो रिंग का जो डायमीटर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल। बच्चों सिंगल और डबल, सिंगल को याद रखने के सिंगल का हमने बेसिकली दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी को। सिंगल का मतलब ये है कि उसमें एक चीज जो है वो फ्रीली मूव कर रही है और एक मूव नहीं कर रही, तो उसको हम सिंगल रेडियल इम्यून डिफ्यूज कहते हैं। डबल का मतलब ये है कि दोनों फ्रीली मूव करेंगी, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। तो अगर मैं आपको इस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारे पास क्या है, एगरोस जेल है, ठीक है, ठीक है। एगरोस जेल है, ठीक है। एगरोस जेल को हमने क्या किया कि उसमें हमने वेल्स बना दी और उसमें हमने एंटी ग्लोबलिस एंटीजन के एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी ऐड कर दिया। देन उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम और सैंपल ऐड कर देंगे। इन वेल्स में 200 उसमें ऐड करते हैं, इसमें 400 करते हैं, इसमें 800 और उसमें 1600 और दो सैंपल्स हम उसको साइड पे कंट्रोल लगाते हैं।
बच्चों जिस तरह से अगर जहां जहां पे आरजीजी एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में होंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं क्लम्प्स बनते जाएंगे, वो डिफ्यूज हो गए, तो आप देख सकते हैं कि जहां पे रिंग का साइज जो है वो बड़ा होगा वो क्या बताएगा, हमें उसकी कंसेंट्रेशन बता देगा कितनी अमाउंट में वो एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंगल इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगा। डबल वाला होगा उसमें दोनों मैंने आपको पहले बता दिया, फिर रिमूव करते हैं, वो लीनियर भी कर सकते हैं और रेडियल भी कर सकते हैं। ये चीज, ये हमने दो रिंग बना दी है, एक मैंटीजिन ऐड कर दी, एक एंटीबॉडी ऐड कर दी, और अगर जहाँ पे दोनों फिली क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं, और जहाँ पे दोनों कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहां पे हमें इस तरह से प्रेसिपिटेंट लाइन नजर आती है। क्या नजर आती है, प्रेसिपिटेंट की लाइन नजर आती है। ठीक है, और जितनी लाइन जो होगी वो डेंस होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म होगी, उतना उसमें एंटीबॉडी का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इम्यूनो का मतलब बच्चे यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एंटीबॉडी यूज कर रहे हैं। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बच्चों ये कि हम बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वहां पे जो पीछे हमने टेक्निक यूज किया हम करंट नहीं अप्लाई करें, जस्ट फ्रीली मूव कर रही है एंटीजन एंटीबॉडी। बस इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें एंटीजन क्या होती है, प्रोटीन होती है, जब उनको हम करंट अप्लाई करते हैं तो अपने साइज और शेप की बेस पर क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो प्रोटीन्स को या मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज और थायरेसी बेस पर। ठीक है, बेसिकली भी क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड होता है। इसका प्रोसेस जो प्रिंसिपल है वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम एंटीजन कहाँ से लेते हैं, पेशेंट के सीरम में लेते हैं, उसके हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जब उसके हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो अपने साइज की बेस पर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाती है। देन उसमें हम जेल लेते हैं, अगर वो जेल उसमें ट्रफ को कट करके लाइन्स बनाते हैं, और जब उसके अंदर एंटीजन उस जेल में प्रेजेंट हैं उनको इलेक्ट्रिकल चार्ज किए तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेपरेट होते हैं। अब जैसे जब हम उस एंटी सीरम उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्लेस करेंगे ट्रफ में, तो वहाँ पे उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे। जैसे उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे तो अगर एंटीजन उसके में प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे एंटीजन एंटीबॉडी उसके साथ डिफ्यूज करेंगे तो वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वही जो जितनी लाइन्स बनेंगी, जितनी आर्क्स बनेंगी, वो हमें बता देंगे उस एंटीजन की इंटेंसिटी को और उसकी लोकेशन को। तो वो उस जेल के अंदर किस लोकेशन के ऊपर है उसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियस जिनका साइज कम होता है वो उतनी ज्यादा मूव करते हैं, जिनका साइज कम ज्यादा होता है वो कम मूव करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो जेल है, हमने पहले क्या किया था, उनको करंट अप्लाई किया, जैसे करंट किया तो एंटीजन क्या करते हैं, डिफ्यूज होगी अपने साइज और चार्ज की बेस पे। देन हमने उसमें ट्रफ कट करके उसमें हमने क्या कर दिया, एंटीबॉडीज डाल दी है। अब एंटीजन वहां पे क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और जहां जहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा ये प्रेसिपिटिन के बैंड साथ में बनते जाएंगे। ठीक है, ये भी वही चीज है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, वही है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किया फिर सीरम में डाल दिया वो डिफ्यूज हो गया, फिर जेल के ऊपर क्या बन गया, प्रेसिपिटिन की लाइन बन गई। इसका यूज यही है कि हम इसमें डिफरेंट डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिजीज के कॉज को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग में कितना हेल्प करती है इस तरह से। अगर एक डिजीज का भी स्टार्ट है, ये डिजीज ज्यादा है, उसमें ऑब्वियसली उसमें एंटीजन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वायरस अपना क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के बेस के ऊपर उसके और जो वायरस की अमाउंट है उसमें कट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इम्यून डिफिशियंसी जो ऑटोइम्यून डिजीज है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, उसमें हम थेरेपेटिक रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया है। हमने इसमें बात की है हीम इंक्रुबेशन की, हीम इनहिबिशन की, कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट की बात की है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी स्टूडेंट को तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास का इश्यू, नो मैम नो मैम कोई इश्यू नहीं है।
तीन चार प्रोसेस है तो ये थोड़े बहुत मिक्स हो रहे हैं, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा समराइज करके एक दफा चारों बता दें तो थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब रिवाइज टाइप। बेटा आप पूरे लेक्चर में सो रहे थे? तो मैम मैं सुन रहा था लेकिन वो एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तो इनके मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा समराइज करना यही है कि आप, मैं दिल तो मेरा यही कह रहा है कि आप लोगों को भी लेक्चर पढ़े और समरी के पॉइंट सुनाए, जब आप समराइज तो आप लोगों को करना चाहिए जिन्होंने पूरा लेक्चर सुना उनको क्या समझ आया। बेसिकली हमने इसमें 4 से 5 टेक्निक को डिस्कस किया। अगर पहले हम ईम रिकॉग्निशन की बात करें तो हमने ये बात की थी कि वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आरबीसीज होते हैं वो क्या करते हैं, क्लंपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वायरस अगर आरबीसी से क्लंपिंग कर रहा है तो उसको हम हीम रिकॉग्निशन कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बात की हीम रिकॉग्निशन इनहिबिशन की, उसमें क्या है, तो वायरस है, आरबीसीज है और साथ में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल एंटीबॉडीज है। तो क्या होगा कि अगर एंटीवायरल एंटीबॉडीज पेशेंट के सीरम में है तो जब उसमें मशीन प्रिपेयर्ड वायरस के पार डालते हैं, आरबीसीज डालते हैं, तो उसे क्लंपिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडीज से अटैच है तो वायरस जो होगा वहाँ पे वो फ्री रहेगा, ठीक है। अगर वायरस वहां पे वो नहीं है तो फिर वायरस उससे अटैच हो जाएगा, क्लियर। फिर हमने कम्प्लीमेंट की बात की, कम्प्लीमेंट को डिस्कस किया, उसमें हमने ये कहा कि कम्प्लीमेंट के दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो अगर तो उसमें हिमोलिसिस नहीं हो रही तो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर उसमें हिमोलिसिस हो रही है तो रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि उसमें हम चार चीजें ऐड करते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं, एंटीजन उससे गैस हम एंटीबॉडीज डालते हैं, जैसे हम कम्प्लीमेंट डालते हैं, वहाँ सब चीजें क्या करते हैं, अगर एंटीबॉडी है तो क्लंपिंग कर जाते हैं। जब हम शीप वो शीप आरबीसी डालते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्री रहते हैं, हिमोलिसिस नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज नहीं है तो कम्प्लीमेंट भी फ्री रहेंगे, एंटीजन भी फ्री रहेंगे, और जब उसमें शीप आरबीसी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हिमोलिसिस हो जाएगी, क्योंकि कम्प्लीमेंट क्या करते हैं, हिमोलाइज कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने बात की इम्यूनो डिफ्यूजन की, वो हमने कहा दो प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस होता है, इनडायरेक्ट होता है, रेडी सिंगल होता है, डबल। तो सिंगल में यही है कि एक तो एंटीजन जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, एंटीबॉडी फिक्स्ड होती है, एंटीजन रिमूव करना होता है। डबल में हमने ये बात की दोनों फ्री होती हैं, दोनों इसके लिए क्या करते हैं, डिफ्यूज करती हैं, जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ज़्यादा होती है, डायमीटर ज़्यादा होता है। फिर हमने इम्यूनो इलेक्ट्रोसिस की बात की, उसमें चार टेक्निक्स जो हमने डिस्कस की उसको समराइज कर लिया, आप आई थिंक समझ आ गए होंगे आपको। जी बच्चों सो गए आप लोग? नो मैम। बेटा रिस्पॉन्ड तो क्या करें आप लोग, और कहा गया वो आदर रियाज जिसने फर्स्ट समराइज करवाया, किधर है जी आदिल? मैम उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, वो कह रहे बस बेटा ठीक है। और आप लोग अब जाते जाते हैं, मैंने नेक्स्ट क्लास से आप लोगों से सारा समराइज करवाया करना है, ठीक है। आप सब जो सो जाते हैं बीच में, मैं पूछती रहती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू, तो आप में से कोई भी इतना रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। Yes, ma'am.
आगे एमसीक्यूज हैं. वन प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज टू इनएक्टिवेट परफोरेंस मीडिएट द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन्स बैंक एंटीबॉडीज अटैच्ड सेल सरफेस इन द लाइस दिस सेल्स एंड फेगोसाइटाइज एंटीजन ए क्रॉस लिंक एलर्जेंस एंटीजन ए क्रॉस लिंक एलर्जेंस. ये बच्चों क्या ऑप्शन है इसमें? मैम सी. मैम सी. इसी ऑप्शन बेटा किसने बताया ये? Agglutination antigen antibody reactions can result in the following: agglutination, complement fixation, precipitation, all of the above. All of the above. All. The double diffusion method allow for disease identification and diagnosis and is application of what immunological technique? Agglutination, precipitation, immunoassay, fluorescent, complement. Precipitation. Precipitation, ma'am. Heme agglutination test utilizes red blood cells, white blood cells, platelets, lymphocytes. Lymphocytes, ma'am. जी. मैम वो ग्रुप में कह रहे हैं कि सबके माइक म्यूट हैं. बेटा मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है. मैम ये आप लेक्चर कब अपलोड करेंगे? बट लेक्चर कंप्लीट हो गया. मैम आप काइंडली ना रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिएगा कि हमें कितनी आवाज आती है. एक्सक्यूज मी मैम. तो बेटा आप सुनने की बात कर रहे हैं, कौन है ये? तो आप ड्यूरिंग लेक्चर आपको याद नहीं है कि आपको कितनी आवाज आ रही थी? मोहम्मद हो रहा था मैम, अनम्यूट ही नहीं हो रहा था. बारह जॉइन बेटा मैंने सिर्फ लास्ट 10 मिनट में आप लोगों को अनम्यूट किया है, वो भी इसलिए कि बैकग्राउंड इतना आप लोगों का नॉइस था. कोई बच्चे कोई आवाज आ रही थी, कोई आवाज आ रही थी. लेक्चर का तो रोल ये नहीं होता है ना कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग पीछे से फजूल बोल रहे हैं, किसी के कोई घर से आवाजें आ रही. जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने म्यूट करा तो खुद म्यूट करें. एट द एंड जब मैंने देखा कि आप लोगों ने म्यूट नहीं किया तो फिर मैंने सबको अनम्यूट किया. जी मैम अगर आप माइंड ना करें और प्लीज बुरा ना मनाइएगा इस बात का कि वो जो है पहले मेरा माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था, तो मैंने आपको उस वक्त ये कहना था कि आपने जो है ना एक प्रोसेस बताया था, सब यही ग्रुप में डिस्कस कर रहे कि उसके बाद फिर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी. लेकिन हम लोग लेक्चर्स पढ़ लेंगे, अगर हमें कोई मसला हुआ तो फिर हम आपको बता देंगे. ठीक है बेटा, आप लोग इसमें मुझे उस टाइम मैसेज भी कर सकते हैं. आप लोग जो ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं आप मुझे चैट पे मैसेज कर दें. मैम चैट का मैम चैट मैम यहाँ पे चैट की ऑप्शन ही नहीं है. बेटा अगर आप लोग के मैसेज आते हैं मुझे चैट मैम वरना हम आपको बता देते ना. मैम आप गुस्सा ना करें प्लीज. बेटा आप लोगों का इतना ऐसा बिहेवियर है कि आज तो ये कि आप लोगों की वजह से मैंने सबको म्यूट करना पड़ा. कुछ लोगों का बहुत डिस्टर्बेंस, वो तो मैंने ड्यूरिंग लेक्चर उनको पॉइंट आउट नहीं किया कि अच्छा है कि वो लोग किसी को पॉइंट आउट करके जाहिर सी बात है मैंने इसलिए म्यूट कर दिया. ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों को इशू है तो आप लोग मुझे पहले बताएं कि मैम हमारे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, मैंने आप समराइज भी कर दिया, फिर भी सेफ साइड पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा. अगर कोई इशू हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी. ओके मैम. मैम एक और चीज भी है जो कि मैं अगर सजेस्ट और बेटा ये हर चीज को बात करने का कोई तरीका होता है. एक और चीज हर चीज जी करें पहले आप बात करें बोलें. वो ये के क्योंकि माइक्स का तो ये है कि अब नेक्स्ट क्लास भी अगर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं तो आप किसी को होस्ट बना दें, वो उनके माइक म्यूट कर दिया करे, वरना ऐसे डिस्टरबेंस होती है हमें
तो बाकी आपके लेक्चर में बिल्कुल सही आवाज आ रही थी और हम लेक्चर पढ़ के देखेंगे। सॉरी हमारे से किसी से भी कोई भी हुआ इस तरह से। ठीक है बच्चों, वो मैं आप लोगों को, लेकिन और भी आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास नहीं लेते हैं, जिन लोगों के माइक जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ भी क्या करना चाहिए कि आप लोग छोटे बच्चे और हर बात करने के तरीका होता है। ये नहीं कि मैम आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा और देखिएगा कितनी आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, ये बात नहीं होती है। कुछ प्रॉपर वे से बात कन्वे की जाती है और ये जिसने बात की उसको पता है मोहम्मद जैन आप, ठीक है, ये बात नहीं होती। आप जो उस टाइम वैसे कह रहे कि मैम आपकी आवाज नहीं आई थी, कि मैम आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको लगेगा पता है कितनी आवाज आई थी। तो ये तो जब मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ फिर कौन कौन यहाँ पे क्या करता है और किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए तो फिर आप लोग ठीक रहेंगे, ठीक है। बाकी अपने क्विज प्रिपेयर कीजिएगा, 6 लेक्चर्स में आना है आप लोगों का क्विज, और फॉर द सेफ साइड फॉर द टाइम बीइंग आप लोग इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा। मुझे पता अगर आप लोगों को इश्यू होगा तो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है आप लोग क्विज प्रिपेयर करेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगर सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू हो गए तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दे, ठीक है। ओके मैम। ओके बच्चे। मिस जी बोले। मिस मैंने पूछना था कि जो क्विज है वो लेक्चर में ही होगा। बेटा आपने कितने टाइम बाद लास्ट टाइम किए? मिस मैंने लास्ट लेक्चर नहीं किया था ज्वाइन, मैं आज आई हूं। आज ही किया तो आज भी कितनी लेट ज्वाइन किया? पहले आप लोगों का लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगी जल्दी, उसके बाद आप अपना कोई अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और कोई इशू किसी को? कोई इशू नहीं है बच्चों? No ma'am. No ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.